दोबारा स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद सिड पर और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत आसान सी रेसिपी होम स्टाइल पनीर भुर्जी। लेकिन आज के इस एपिसोड में एक ट्विस्ट है। आज से हम एक नया चीज़ शुरू कर रहे हैं, वो है हम जगह जगह जाके घर घर जाके जो हमारे हाउस हेल्प होते हैं, हाउस कीपर्स होते हैं, जो हमारे होम कुक्स होते हैं उनके साथ भी कुछ शूट करेंगे। वो इसलिए बिकॉज हम तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं बट जो हमें खाना बना के इतना बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं खाना, उनके साथ भी कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और वाकई आपको दिखाएंगे कि इतनी आसानी से झटपट चुटकी बजाते ही बढ़िया सी पनीर भुर्जी कैसे तैयार होती है। चलिए मिलवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के अपने हीरो से। हमारे हीरो का नाम है कीर्तन। कीर्तन, हमारे शो पे आपका बहुत स्वागत है। अरे शो पे नहीं, मैं तो आपके घर आया हूँ भाई, आप मेरा स्वागत करिए। थैंक यू वेरी मच कीर्तन। तो ये है कीर्तन, इतना लाजवाब, इतना लजीज, इतना टेस्टी खाना बनाते हैं कि भाई उंगली चाट के रहे। मैं हाथ धो के आता हूँ, तब तक कीर्तन तैयारी कर रहा है। तो पनीर भुर्जी के लिए कीर्तन ने हमें बताया हमको चाहिए पनीर अबाउट 250 ग्राम, नमक, देगी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, जीरा, किचन किंग मसाला, कटा हुआ प्याज, साबुत लाल मिर्च, धनिया कटी हुई, अदरक चॉप, फाइन चॉप, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर। आई थिंक ये बेसिक इंग्रेडिएंट है। चलिए शुरू करते हैं बनाना पनीर की भुर्जी। आपको बताना भूल गया, कसूरी मेथी भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, स्वाद का राजा कहा जाता है इसको। तो चलिए सबसे पहले जैसे कीर्तन ने बताया, पनीर को एक कांटे से यानी फोक से हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा मैश। तो पनीर मैश हो चुका है। कीर्तन ऑन करते हैं इंडक्शन को। एक कढ़ाई में आप ले लीजिए तेल। चलिए शुरू करिए। एक कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, जितना आप डालते हैं कीर्तन उस हिसाब से डालिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और जाएगा मेरे ख्याल से। चलिए कीर्तन नेक्स्ट, जीरा इसमें डालेंगे हम लोग। जीरा डालिए कीर्तन फटाफट फटाफट। बस तो इसमें आ गया ऑलमोस्ट 3/4 चम्मच जीरा। नेक्स्ट, जीरा थोड़ा सा बटर होने दें। अब क्या करेंगे, डालिए डालिए कीर्तन, घर में आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं मैं देखता हूँ इस बात को। प्याज कटी हुई बढ़िया, आधी कटोरी से ऊपर, ऑलमोस्ट आधी कटोरी इसमें गया प्याज। जब तक कीर्तन बाकी चीज़ें देखेगा मैं इसको हिला देता हूँ हल्का सा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कीर्तन, लहसुन डालिए डालिए, कितना डालेंगे, कितना चम्मच, 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून लहसुन, बहुत बढ़िया। अदरक, लवली, 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून कटी हुई अदरक। और अब इस मसाले को हम लोग भून लेंगे कीर्तन, करेक्ट। इसमें साबुत लाल मिर्च डाल दिया कीर्तन, एक काफी है, ब्यूटीफुल। तो कीर्तन प्याज बढ़िया से पक चुका है, ध्यान रहे इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का पकाना है कि बस प्याज पक जाए। अब क्या डालेंगे इसमें, टमाटर लगभग 1.5 छोटा टमाटर कटा हुआ, बहुत बढ़िया, ये गया पूरा का पूरा टमाटर। इसके बाद क्या करेंगे कीर्तन, हरी मिर्च, वाओ हरी मिर्च का फ्लेवर अलग ही होता है, 1 टीस्पून हरी मिर्च बस कीर्तन, बस बहुत ज़्यादा मिर्ची ना हो जाए भाई, लवली। अब इसको हम पकाएंगे, साथ में कुछ मसाले अभी डालेंगे कीर्तन, डालिए। तो इसमें हम डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, वेरी गुड, 1/4 टीस्पून हल्दी आ गई। अब क्या डालेगा कीर्तन, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च है, बहुत बढ़िया, 1 टीस्पून। कीर्तन को मिर्ची बहुत पसंद है क्या, बोलो हाँ या ना, वाह। नमक स्वाद अनुसार, बढ़िया, वाह मसाले का क्या कलर आ रहा है, वाह। किचन किंग मसाला 1/2 टीस्पून, थोड़ा और, बढ़िया, काफी है, ब्यूटीफुल। इसके अलावा कुछ और कीर्तन, कसूरी मेथी एंड में जाएगी, मसाला पकना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा पानी डालेंगे कि चिपके ना ये कीर्तन। अब डालेंगे इसमें पनीर, जैसा आपने कहा पराठा बनाओगे, भटूरे बाद में बनेंगे, पराठा बनाओगे, बढ़िया। मैं कह रहा हूँ पराठा, कीर्तन कह रहा है भटूरे, शायद कीर्तन आज मुझे छोले भटूरे खिलाएगा। तो कीर्तन मन में ही आ रहा है क्यों ना आपके साथ एक छोले भटूरे की रेसिपी भी करेंगे आज अगले एपिसोड के लिए, मगर करेंगे हम लोग इसको पक्का, वाह मजा आ गया। तो कीर्तन पनीर बढ़िया से पक चुका है, आप देखें तो पनीर में तेल भी छोड़ दिया है। आई थिंक इसमें थोड़ी हरी धनिया डाल दें, ये मैं हाथ से ही इसमें डालूंगा, थोड़ी सी हरी धनिया बहुत है, लवली। और इसको हल्का सा और करेंगे मिक्स। कीर्तन आखिरी में मैं अपनी हर डिश में डालता हूँ ढेर सारा प्यार, और अब ये है प्लेटिंग के लिए तैयार। तो इस प्लेट में इसको हम डालते हैं अब अपने पनीर को, बहुत बढ़िया लग रहा है कीर्तन, पराठे की तैयारी कराइए फटाफट से, वाओ ब्यूटीफुल। कश्मीरी मिर्च से और देगी मिर्च से कलर इसका बहुत सुंदर आ गया कीर्तन, मज़ा आ रहा है
देखकर पनीर प्लेट में जा चुका है। गार्निश के लिए हल्का सा धनिया एंड ये डिश कीर्तन तैयार है। अरे हमारे हीरो कीर्तन ने डिश तो इतनी बढ़िया बना दी, खा के देखते हैं। और ये एक चम्मच पनीर भुर्जी, सुपर रेस्टोरेंट क्वालिटी पनीर, वाव इज द वर्ड, बना के खाइएगा जरूर। तो ये थी दोस्तों पनीर भुर्जी की रेसिपी, एकदम होम स्टाइल, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में एकदम मजेदार चटपटी पनीर भुर्जी। कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी भुर्जी कैसी लगी एंड बना के खाइएगा जरूर इसको। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का आइकन दबाएं, देखते रहिए कुक विद सिद। तो दोस्तों मजे की बात यह है कि मैंने पहले एपिसोड में कहा था एक कॉन्टेस्ट होगा और विनर को मिलेगा मेरे साथ यहीं पे खड़े होकर खाना बनाने का मौका और एक बढ़िया इनाम यानी गिफ्ट। वो कॉन्टेस्ट है, आप अपनी रेसिपी मेरे इस ईमेल आईडी पे cookwithsid@gmail.com पे भेजें। मैं सब रेसिपीज को देखूंगा, बढ़िया सी एक रेसिपी चुनूंगा और विनर को यहाँ पे खड़े होकर खाना बनाने का यानी उसी रेसिपी को बनाने का मौका दूंगा। याद रहे आपको दिल्ली आना पड़ेगा अगर आप दिल्ली से नहीं है, मगर ऑफकोर्स यू मेक दैट रेसिपी विद मी एंड उस रेसिपी को बनाने के बाद एक बढ़िया सा इनाम आपके लिए यहाँ वेट कर रहा होगा।